हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस क्लास नाइन्थ सीबीएसई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फर्स्ट पार्ट है एवरी इ नंबर इज अ रियल नंबर ठीक है तो देखो रियल नंबर कौन से होते हैं सारे के सारे नंबर रियल नंबर सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास रियल नंबर और रियल नंबर की टू टाइप्स होती हैं रैशनल नंबर रैशनल नंबर एंड इेशनल ठीक है तो आपसे पूछा गया था एवरी इेशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो इेशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं सारे के सारे रियल नंबर तो क्या होगा ये ट्रू ठीक है सेकेंड पार्ट है हमारे पास एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन्स is of the form under root m where m is a natural number ab dekho sare ke sare points ko hum number lines par represent kar sakte hain jaise under root m hai to तो under root 2 under root 3 under root 4 number lines हम represent कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि m जो है वो natural number हो अगर वो decimal में होगा तब उसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे अंडर रूट टू पॉइंट वन अंडर रूट नाइन पॉइंट फाइव ठीक है इन नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये चीज क्या आएगी हमारे पास फॉल्स ठीक है थर्ड पार्ट है हमारे पास एवरी रियल नंबर इज एन इेशनल नंबर देखो फर्स्ट पार्ट सेम यही चीज थी यहां पर आपसे पूछा गया था इेशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो ये बात ट्रू थी और थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इेशनल नंबर तो रियल नंबर के टू पार्ट्स थे रैशनल नंबर इर ठीक है तो इेशनल तो सारे के सारे रियल हैं और रैशनल नंबर भी सारे के सारे रियल नंबर हैं लेकिन सारे के सारे रियल नंबर हमारे रिय... इेशनल नंबर नहीं है रैशनल भी होंगे ठीक है तो ये चीज क्या आएगी आपके पास फॉल्स ठीक है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास आर द स्वेयर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इैशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्र रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अरे रैशनल नंबर अब आपको बोला गया था सारे के सारे जो स्क्र रूट है हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर इेशनल नंबर है ठीक है तो ये चीज हमारे पास गलत है क्यों अंडर रूट टू इेशनल नंबर है अंडर रूट थ्री इेशनल नंबर है लेकिन अंडर रूट फोर अंडर रूट फोर किसके इक्वल आते हैं हमारे पास टू ठीक है फिर ये चीज हमारे पास इेशनल नहीं है अंडर रूट ट्वेंटी फाइव अंडर रूट टू टू फाइव अंडर रूट थर्टी सिक्स ये चीज तो हमारे पास इेशनल नंबर्स नहीं है ठीक है परफेक्ट स्क्योर बन रहा है ये तो ये चीज भी हमारे पास क्या आएगी फॉल्स ठीक है फॉल्स होगी और साथ में आप क्या कर सकते हो एग्जाम्पल दे सकते हो ठीक है आर द स्क्र रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इेशनल तो आप फॉल्स भी लिख सकते हो या नो ठीक है सारे के सारे स्क्वेयर रूट जो हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर इेशनल नहीं होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास शो हाउ अंडर रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करोगे कंपस भी यूज होगी साथ में ठीक है अंडर रूट फाइव है तो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे सिंपल एक लाइन लोगे ठीक है एक लाइन ले ली जीरो वन टू थ्री ठीक है अप टू इन्फिनाइट ऐसे करके कोई लाइन तो हम पहले जीरो टू टू ये वाले टू यूनिट्स लेंगे ये कितना हुआ यहाँ पर टू सेंटीमीटर तक टू यूनिट्स ठीक है आप ये चीज स्केल से ड्रॉ करोगे और लेड पेंसिल से ठीक है अब कंपस से यहां पर जहां पर टू है नाइंटी डिग्री का एंगल बनाएंगे ठीक है नाइंटी डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहां पर स्केल से वन सेंटीमीटर लेंगे ठीक है यहां पर वन सेंटीमीटर वन यूनिट ये कितना होगा आपके पास वन यूनिट अब जीरो और इस पॉइंट को जैसे यहां पर मैंने पॉइंट लिया जीरो यहां पर पॉइंट लिया ए और ये पॉइंट लिया बी तो बी पॉइंट को इस पॉइंट को मीट करेंगे जीरो के साथ ठीक है अब जीरो को सेंटर मान के यहां पर कंपस रखोगे और आग लगाओगे यहां से बी से एक आर्क लगाओगे जहां पर ये आर्क मीट करेगी इस वाली नंबर लाइन के साथ इस पॉइंट को नाम दे दो पी ठीक है और ये जो पॉइंट आया ये हमारे पास कितना आया अंडर रूट फाइव ठीक है ये वाली नंबर लाइन ये चीज है हमारे पास अंडर रूट फाइव और जो ये लाइन है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं अंडर रूट फाइव लेकिन हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था तो ये वाला पॉइंट आएगा अंडर रूट फाइव ठीक है अब इस चीज को हम कैसे देखो सॉल्व कर सकते हैं कैसे बता बता सकते हैं ये चीज हमारे पास क्या बन रही है एक राइट एंगल ट्राई एंगल ये चीज ठीक है यहां पे 90 डिग्री का एंगल लिया जीरो से मतलब जीरो भी बोल सकते हैं तो जीरो ए ये चीज है हमारे पास टू यूनिट्स और टू से बी तक ए टू बी ए बी है हमारे पास वन यूनिट वन सेंटीमीटर है ठीक है और ओ बी ओ बी हमें फाइंड करना है ये चीज हमें फाइंड करनी है ठीक है तो ओ बी ये चीज हम कैसे निकालेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है पाइथागोरस यूज करेंगे पाइथागोरस कैसे करते हैं हाइपोटनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो हाईपोटनस कितना है यहां पर ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है ए बी ए बी का स्क्वेयर प्लस बेस बेस है यहां पर ओ ए का स्क्वेयर अब ओ बी एज इट इज रहेगा हमें वैल्यू ये फाइंड करनी है इज इक्वल टू ए बी ए बी की वैल्यू है हमारे पास ए बी वन का स्क्वेयर प्लस ओ ए ये चीज है टू टू का स्क्वेयर तो ओ बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन प्लस टू टू जो फोर फोर प्लस वन करेंगे फाइव ठीक है ओ तो बी ये कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट फाइव प्लस की वैल्यू कंसीडर करेंगे नेगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये चीज कितनी आई हमारे पास अंडर रूट फाइव ये चीज भी अंडर रूट फाइव है और यहां से जब हम आर्क लगाएंगे बी से और नंबर लाइन पर जब वो मीट करेगी ये बली आर्क तो ये पॉइंट कितना होगा अंडर रूट फाइव ठीक है तो इस तरह से आप शो कर सकते हो और साथ में आपने ये चीज बतानी भी है कि हमने कैसे इसको शो किया ठीक है अब इसके साथ ये तो आपको अंडर रूट फाइव था अगर सपोज करो आपको आ जाए अंडर रूट टू इसको आप शो करो या अंडर रूट थ्री या अंडर रूट सेवन ऐसे कोई नंबर आ जाए ठीक है तो एक मेथड है हमारे पास स्पाइरल मेथड स्पाइरल मेथड भी बोलते हैं ठीक है या तो स्पाइरल मेथड से बोलेंगे कि ड्रॉ करो या फिर सिंपल बोलेंगे नंबर लाइन पर ड्रॉ करो तो जैसे अंडर रूट टू इसको हम कैसे शो कर सकते हैं नॉर्मल एक लाइन लेंगे यहां पर जीरो वन टू ठीक है तो यहां पर जीरो से वन ये वाले एक यूनिट वन यूनिट ठीक है पॉइंट ले लिया ए अब यहां पर आप नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाओगे कंपस के साथ और परपेंडिकुलर भी कितना लेंगे वन यूनिट ये चीज भी वन यूनिट लोगे जीरो से ये पॉइंट ले लिया मैंने भी इसको मीट करेंगे अब जीरो तो यहां पर कंपस रखोगे और आर्क लगाओगे जहां पर ये आर्क मीट करेगी ये क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट टू ठीक है तो इसको भी आप कैसे शो कर सकते हो देखो यहां पर भी ये पॉइंट कितना है ओ बी ये चीज हमारे पास क्या है हाइपोटनस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बेस कितना आएगा ओ ए का स्क्वायर वैल्यूज पुट कर देंगे ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर तो कितना आता है ये वन प्लस वन और टू आएगा जब ओ बी निकालेंगे तो अन प्लस माइनस अंडर रूट टू और पॉजिटिव वैल्यू हम एज्यूम करते हैं उसको कंसीडर करते हैं नेगेटिव को नेग्लेक्ट करते हैं तो ओबी कितना आएगा तो ये चीज भी हमारे पास अंडर रूट टू आ रही है और जो ये आर्क ली हमने नंबर लाइन पर जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो ये वाला पॉइंट ये होगा अंडर रूट टू ठीक है टू से ये चीज कम आएगी आप प्रॉपर कंपस से ड्रॉ करोगे अब सेम हमें अंडर रूट थ्री फाइंड करना है स्पाइडल मेथड से या फिर नंबर लाइन पर तो अंडर रूट थ्री को कैसे करेंगे हम देखो रूट थ्री को हम कैसे करेंगे लाइन ले ली जीरो वन टू थ्री इन्फिनाइट अब जीरो टू वन ये लिया हमने वन यूनिट यहां पर क्या करेंगे नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये चीज भी हम लेंगे वन यूनिट ठीक है अब इस लाइन को मीट करेंगे पॉइंट दे दिया यहां पर बी ये वाला पॉइंट ए यहां पर कंपस रखोगे और एक आर्क लगाएंगे जहां पर ये 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 आई आर्क मीट की ये आया चीज ठीक है हमें बोला था अंडर रूट थ्री ये चीज ड्रॉ करनी थी हमें तो जो पॉइंट बी है इसको पॉइंट मानकर हम फिर से यहां पर कंपास रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ठीक है प्रॉपर यहां पर रखोगे यहां पर और एक नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएंगे नाइन्टी डिग्री का एंगल जब बन जाएगा अगेन एक लाइन लेंगे कितनी यूनिट्स होगी ये वन यूनिट जहां पर वन यूनिट इस नाम इस पॉइंट को नेम दे दो सी अब जीरो और सी पॉइंट्स को मीट करेंगे ठीक है अगेन जीरो पर कंपस रखेंगे और यहां से आर्क लगाएंगे सी से तो आर्क नंबर लाइन पर मीट करेगी ये पॉइंट आया हमारे पास अंडर रूट थ्री तो अंडर रूट थ्री आप ऐसे शो करोगे अब जब हमें इसको शो करना है बताना है तो वो कैसे आएगा यहां पर देखो हमारे पास ओ से लेके बी तक ये चीज क्या आई बेस परपेंडिकुलर आया बी से सी और ओ से सी ये चीज क्या आया हाइपोटनस तो ओ सी का स्क्वायर यहां पर कर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्र प्लस बेस बेस है जीरो बी का स्क्र या ओ बी का स्क्वेयर वैल्यू पुट कर देंगे ओ सी तो हमें फाइंड करना है बी सी बी सी की वैल्यू है वन का स्क्वेयर प्लस ओ बी का स्क्र ये चीज है अंडर रूट टू तो अंडर रूट टू का स्क्र आएगा अब देखो ओ सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट टू इन टू अंडर रूट टू ये बन जाता है हमारे पास टू और टू प्लस वन ये आता है थ्री तो जब ओ सी निकालेंगे ये आएगा अंडर रूट थ्री पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे नेगेटिव को नेगलेक्ट करेंगे ठीक है तो इस तरह से हमने क्या किया अंडर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया ये चीज भी कितनी है अंडर रूट थ्री लेकिन हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन ये वाली है ठीक है तो ये बाल आया हमारे पास अंडर रूट थ्री तो इस तरह से आप क्या करोगे पॉइंट्स को शो करोगे नंबर लाइन पर ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू स्टूडेंट्स